الله أكبر استعين بالله أضرب इसराइल के कट्टर दुश्मन यमन के हूती ने एक बार फिर से अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसराइल के खिलाफ लगातार हमले करने वाले हूती समूह को ईरान का पूरा समर्थन हासिल है, जिसके चलते हूती लगातार इसराइल और उससे जुड़े जहाजों पर लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में लगातार हमले कर रहा है। गाजा में इसराइल के सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के बाद से ही यमन के ये लड़ाके अब तक कम से कम दो जहाजों को समंदर में डुबो चुके हैं और एक पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और अब हूती ने अपने हमलों का दायरा बढ़ाते हुए इसराइल के भीतर वार करना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले ही इजरायली सीमा में घुसकर ड्रोन अटैक करने वाले हूती विद्रोहियों ने फिर से एक जहाज को अपना शिकार बनाया है। लाल सागर में कहर बरपाने वाले हूती समूह ने एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि अब यमन के हूती विद्रोहियों ने 19 जुलाई 2024 को दो मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला बोला। समूह के लड़ाकों ने सिंगापुर के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर जोरदार हमला किया। दावा किया जाता है कि हूतियों के हमले में जहाज को काफी नुकसान भी पहुंचा है। हूतियों ने हमले के पीछे की वजह भी बताते हुए कहा कि गाजा में इजरायली हमलों के जवाब में समूह ने वैश्विक शिपिंग पर हमले बढ़ा दिए हैं, ताकि इजरायल को हर एक एक्शन का जवाबी रिएक्शन मिलता रहे। दावा किया जाता है कि यमन के लड़ाकों ने लोबिविया मालवाहक जहाज पर रात भर भीषण हमला किया। खास बात यह भी है कि हूतियों ने हमला ऐसे वक्त पर किया जब लड़ाकों ने इसराइल की राजधानी तेल अविव में एक ही दिन पहले एक ड्रोन हमले को अंजाम दिया था। समूह ने इसराइल को चौंकाते हुए इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। बता दें कि आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए इसराइल की कड़ी हवाई सुरक्षा को भेदते हुए हूती के इस ड्रोन ने तेल अविव में भीषण तबाही मचाई थी। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालिया हफ्तों में हूती ने अपने टारगेट को सटीकता से भेदने में ज्यादा महारत हासिल कर ली है। दावा है कि उसके लड़ाके बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो गए हैं, तो वहीं घातक हथियारों ने इस कुशलता को और बढ़ाने का काम किया है। जून महीने में ही समूह ने यूनान के ट्यूटर कोयला वाहक जहाज पर मिसाइलों और विस्फोटक से भरी रिमोट कंट्रोल नाव से हमला कर सनसनी मचाई थी। ट्यूटर कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ हूती अभियान में डूबने वाला दूसरा जहाज था। हूतियों के हमले में नवंबर के बाद से कम 3 नाविक मर चुके हैं। यही वजह है कि हूती लड़ाकों के खौफ से शिपिंग नेटवर्क चरमरा गया है। बताया जाता है कि मौजूदा संघर्ष में हूतियों ने अपने मारक हथियारों की ताकत में काफी इजाफा किया है। यमन आर्म फोर्स के सैन्य प्रवक्ता याया सारी ने बताया कि समूह ने लोबिविया पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र ने बताया कि लोबिविया अदन की खाड़ी में था जब मिसाइलों ने इसके दो हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के दौरान जहाज यमन के बंदरगाह शहर अदन से 83 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में था। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि सभी चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लिहाजा मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट पहुंची है।